लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पुत्र उग्मांगद, श्री राम के अश्वमेध के अश्व का रोकना हमारे लिए उचित न होगा। हमें चुपचाप प्रभु श्री राम की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु पिताश्री, ये हमारे मान सम्मान का प्रश्न है। अश्वमेध का अश्व अयोध्या नरेश की विजय का प्रतीक बनकर हमारे राज्य को अधीन करके निकल जाए, ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। हम अश्व को पकड़कर श्री राम की सत्ता को चुनौती देंगे। परंतु इससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी पुत्र। युद्ध की संभावनाएं बढ़ती हैं तो बढ़ जाएं। जब सर्वशक्तिमान भगवान शिव हमारे रक्षक हैं, तो चिंता किस बात की। यदि हमने श्याम कर्ण अश्व को न पकड़ा तो हमारी वीरता कलंकित होगी। पिताश्री, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अधिक सोच विचार मत कीजिए। आप लोगों की क्या राय है सभासदों? क्या हमें राजकुमार रुक्मांगद की बात मान लेनी चाहिए? अवश्य महाराज। यदि हमने अश्वमेध का अश्व ना पकड़ा तो हमारी प्रजा हमें कायर समझेगी। पिताश्री, स्मरण कीजिए उस वरदान को जो भगवान शिव ने आपको दिया था। उन्होंने कहा था कि अश्वमेध के अश्व के आने तक वे आपकी रक्षा करेंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि अश्वमेध का अश्व भगवान शिव के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे लिए। पिताश्री, भगवान शिव के वरदान पर विश्वास कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। भगवान शिव शंकर तुम्हारी रक्षा करें। आयुष्मान भव। नारायण नारायण, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रभु, या तो आप यहीं शिव मंदिर में विराज रहे हैं या तो राजा वीरमणि के महल में विराजमान है। परंतु आप तो अकिंचन दिगंबर शिव शंकर हैं। आप भला किसी के महल में कैसे रह सकते हैं, और वो भी माता पार्वती को छोड़कर। ना 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 नारायण नारायण, आप तो यहीं इसी शिवलिंग में निराकार रूप से ध्यान मग्न है। प्रभु, मैं आपका प्रिय नारद बहुत दूर से आया हूँ। प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। देवर्षि, तुम यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे? जय शिव शंकर, हर हर महादेव। परंतु प्रभु, आपका ये नारद केवल आपके स्वर से संतुष्ट नहीं होगा। कृपया प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दीजिए प्रभु। देवर्षि, हम अदृश्य रूप में ही अपना कार्य करना चाहते हैं। प्रभु, आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे, क्योंकि मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि यहाँ युद्ध की क्या संभावना है। प्रणाम शिव शंकर। अर्थात देवी पार्वती ने आपको सब कुछ बता दिया? अब प्रभु, अब आप ही मुझे बता दीजिए ना कि ये युद्ध किसका किसके साथ होने वाला है। मैंने अभी अभी देखा कि अश्वमेध के अश्व के साथ शत्रुघ्न और हनुमान भी है। कहीं ये युद्ध इन्हीं के साथ तो नहीं होगा? प्रभु, नहीं देवर्षि,
इस समय हम आपको और कुछ नहीं बताएंगे। इससे अधिक जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि हमारी लीला में व्यवधान डालने वाला हमारे क्रोध का पात्र बन जाता है। शांत प्रभु, शांत शांत। मैं जानता हूं प्रभु, परंतु क्या करूं? आपका ये परम भक्त नारद कल्याणकारी परोपकारी भी तो है। जब भी किसी के संकट की संभावना देखता हूं, तुरंत उसे सावधान करने के लिए विवश हो जाता हूं। परंतु आप मुझ पर कोप ना करें प्रभु। यदि आप मुझ पर कोप करेंगे तो मैं भी कामदेव की भांति भस्म हो जाऊंगा और इस संसार से एक शिव भक्त कल्याणकारी परोपकारी का अंत हो जाएगा प्रभु। देवर्षि, आप बहुत चतुर हैं। आपकी यही चतुराई हमें प्रसन्न कर देती है। प्रभु, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। वो ये कि अश्वमेध के अश्व के साथ चलने वाले श्री राम के दूतों की प्राण हानि नहीं होगी। बस बस मुझे ये छोटा सा वरदान दे दीजिए, फिर मैं आपके एकांत में बाधा नहीं डालूंगा। नहीं देवर्षि, नहीं, इस समय हम आपको ये वरदान नहीं दे सकते। हम केवल देवपुर के राजा वीरमणि को दिए अपने वरदान का पालन करेंगे। ऐसा ना कहिए प्रभु, निर्दोष प्राणियों पर दया कीजिए, अन्यथा मैं इसी प्रकार आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। नहीं देवर्षि, नहीं, इस समय हम आपको कोई वरदान नहीं दे सकते, परंतु इतना अवश्य है कि हम आपकी विनती ध्यान में रखेंगे। अब हमें अकेला छोड़ दीजिए, आपका कल्याण हो। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की, 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 अयोध्यापति नारायण नारायण, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की, अयोध्यापति हनुमान बजरंग बली, हनुमान। देवर्षि, प्रणाम गुरुदेव। मैं तुम लोगों को सावधान करने आया हूँ। देवपुर के राजा वीर मणि की ओर से कोई अश्वमेध के अश्व के साथ छेड़छाड़ करे तो हमारे श्याम कर्ण के साथ छेड़छाड़ करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। देवर्षि, आप निश्चिंत रहिए। इसीलिए तो मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। राजा वीर मणि परम शिव भक्त हैं। यदि तुमने उन्हें हानि पहुँचाने की चेष्टा की तो तुम पर शिव का कोप बरस सकता है, और शिव का कोप कैसा होता है ये मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे और शत्रु के बीच में भगवान शिव को आने की क्या आवश्यकता है देवर्षि? क्या महादेव चाहेंगे कि कोई अन्यायी अश्वमेध अश्व के साथ छेड़छाड़ करे? वो तो कदापि नहीं चाहेंगे भैया शत्रुघ्न, परंतु हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि आशुतोष शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, ये मैं जानता हूँ। नारायण नारायण, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैं चला। नारायण नारायण। चलो सैनिकों, जय श्री राम। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की। युवराज रुक्मान गत की, युवराज रुक्मान गत की, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की, युवराज रुक्मान गत की। रुको, रथ रोको। वो देख रहे हैं राजकुमार, उस अश्व के साथ महावीर हनुमान भी हैं। तो क्या हुआ रिपुनार? हम श्री राम के यज्ञ का अश्व पकड़ने की प्रतिज्ञा करके निकले हैं, हमें किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। वो तो सत्य है, परंतु हनुमान से भिड़ने का अर्थ है मृत्यु को बुलावा देना। क्या आप जानबूझकर मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं? रिपुनार,
प्रतिज्ञावत वीरों को मृत्यु से भय नहीं होता। परंतु जब सामने शत्रु अति बलशाली हो तो उससे समझौता करने में ही बुद्धिमानी है। समझौता? कैसा समझौता रिपुनार? आप हनुमान से कह सकते हैं कि यदि वे हमारे महाराज वीरमणि को श्री राम से श्रेष्ठ मान लें तो हम आपको अपने राज्य से आगे जाने देंगे। क्या ये सब कहना उचित होगा? व्यर्थ युद्ध से ही अच्छा है। यदि वे महाराज वीरमणि को श्रेष्ठ मान लें तो फिर... हम समझ गए, हम तुम्हारा ये परामर्श भी मानकर देख लेते हैं। अयोध्या पति श्री रामचंद्र की, अयोध्या पति श्री रामचंद्र की, अयोध्या पति श्री रामचंद्र की। ये सर्वश्रेष्ठ योद्धा महाराज वीरमणि का राज्य है, तुम्हें पता है, तुम उनकी सीमा में प्रवेश कर चुके हो। हम महाराज वीरमणि के सुपुत्र राजकुमार रुक्मांगद हैं। हट जाओ हमारे मार्ग से, तुम जो कोई भी हो, इससे हमें क्या? राजकुमार रुक्मांगद, क्या तुम हमें चुनौती देने आए हो? हाँ, यदि आप महाराज वीरमणि को अयोध्यापति श्रीराम से श्रेष्ठ मानेंगे और इस राज्य से निकलने का कर चुकाएंगे तो हम आपको यहाँ से आगे बढ़ने देंगे, अन्यथा ये यज्ञ का अश्व हमारा होगा। मूर्खो, क्या तुम अपना विवेक खो चुके हो? प्रभु श्री राम से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है, क्या तुम ये बात नहीं जानते? जानता हूँ, परंतु मानता नहीं। तुम्हें हमारी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी, तभी तुम्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। अभिमानी, उससे पहले तू हमारी श्रेष्ठता स्वीकार कर। जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के मुख में ढकेल रहे हो। मैंने तुम्हारे राजकुमार को मारा नहीं है, केवल बेसुध किया है। जाओ जाकर कहो अपने राजा वीरमणि से कि वे बेसुध राजकुमार का उपचार करें। जाओ, भागो। हे शिवशंकर, हे महादेव,
हे महादेव, हमारी रक्षा करो महादेव, हमारी रक्षा करो। हमारे राजकुमार और सेनापति को हनुमान ने युद्ध में आहत कर दिया, उनकी रक्षा करो विश्वेश्वर, अपने वरदान का पालन करो विश्वेश्वर, अपने वरदान का पालन करो। वीरमणि उठो, हम अपने वचन का पालन करेंगे, तुम अपना वीर धर्म निभाओ, कायरों की भांति गिड़गिड़ाओ नहीं। जाओ वीरमणि, शत्रु से युद्ध करो, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा परमेश्वर, जो आज्ञा, जय हो, जय हो। वीरमणि, निहत्त व्यवहार करना सूर्यवंशियों की रीत नहीं। जा, जा, मैं तुम्हें अभिदान देता हूं। भैया शत्रुघ्न, जय शिव शंकर। भैया 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 भैया, आगे खुलिए भैया। महादेव, हनुमान, देवपुर नरेश, महाराज वीरमणि हमारे भक्त और रक्षित है, जो उन पर वार करेगा मारा जाएगा। महादेव, आपने मेरे रक्षक प्रभु श्री राम के भ्राता अश्वमेध अश्व के रक्षक भैया शत्रुघ्न पर प्रहार किया। हनुमान, हमें जो करना था हमने किया, अब जो तुम्हें करना है तुम कर।